हम इस वक्त मौजूद हैं सीलमपुर विधानसभा के अंदर। ये इलाका मुस्लिम बहुलिक इलाका है और इस बार निगम चुनावों में मुसलमानों का वोट किस पार्टी को जाएगा ये जानने के लिए हम सीलमपुर पहुंचे हैं। इस विधानसभा में इस बार अगर बात की जाए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ साथ अवैसुद्दीन अवैसी यानी AIMI के भी उम्मीदवार मौजूद हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और BJP और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा है। लेकिन यहाँ की जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट देगी ये जानने के लिए लोगों से ही हम बातचीत करेंगे। ये बताइए सर, क्या माहौल है इस इलाके का इस बार निगम चुनावों को लेकर? बताइए सर। माहौल किसी कैंडिडेट का? हाजी अफजल, हाजी अफजल हजन शकीला दो दफा से काउंसलर है, अच्छा काम करते हैं, लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, कभी भी किसी को कोई जरूरत होती है आधी रात को हाजिर हो जाते हैं। CA के टाइम पे काफी उन्होंने पुलिस के साथ में मिलके इलाके के माहौल को अच्छा बनाया था और कोई राइट हमारे यहाँ नहीं हुआ था, और कोरोना के टाइम पे काफी खाना वाना 2-3 महीने तक बांटा था, दुख दर्द में शरीक है, माहौल तो उनका है। मुद्दे क्या है आपके इलाके में, क्या मुद्दे हैं? हमारे इलाके के अंदर मुद्दा है सफाई का है, मेन तो सबसे ज्यादा सफाई का है हमारे इलाके के अंदर। साफ सफाई नहीं हुई? साफ सफाई उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से होनी चाहिए। कि आपके जो उम्मीदवार इंडिपेंडेंट खड़े हुए मौजूदा 2 बार से निगम पार्षद रहे, जब उन्होंने सफाई नहीं करी तो कैसे आप उनके ऊपर वोट देना चाहते हैं? क्या उनके CA के दौरान जो उन्होंने काम किया, कोरोना के टाइम पे काम किया, लोगों के साथ रहे, वो मुद्दा है? क्या साफ सफाई और विकास भी एक मुद्दा है? नहीं, सफाई और विकास भी मुद्दा है और उन्होंने जो काम किया उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि वो काउंसलर तो हैं, लेकिन हमारे जो MLA है वो उनके काम में ना कहीं अड़चन डालते हैं, तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते। कोशिश रहती है उनकी कि करें, आप कैसे और जिताएंगे तो शायद हो सकता है कि और अच्छा काम करेंगे, उनकी कोशिश काफी रहती है। क्या मुद्दे हैं सर इस बार, क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ के? यही मुद्दे हैं, यहाँ जो है सफाई की व्यवस्था सही नहीं रहती है और स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं आते हैं, पढ़ाइयाँ सही नहीं चल रही है। सरकार तो कहती है स्कूलों पे काम हुआ है। स्कूलों में कोई काम नहीं हुआ सर, कोई एक स्कूल बता दीजिए जहाँ पे काम हुआ हो, कोई स्कूलों में काम नहीं हुआ है, किसी स्कूल में काम नहीं हुआ जी। आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है स्कूलों पर, मुफ्त शिक्षा पर, क्या लगता है कि वो कामयाब है? क्या आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा इस मुद्दों को लेकर के? आम आदमी पार्टी स्कूलों पर वोट मांग रही है, फ्री शिक्षा कह रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी। आम आदमी पार्टी तो गई क्यों? वो UK जो काउंसलर है ना वो काम करने वाला नहीं है, जिसकी उम्मीद थी ना काम करने की, उसका वोट दिया नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी की सीट गई। उम्मीद इंशाल्लाह ये है हाजी अफजल की सीट निकलेगी। साफ सफाई है ही नहीं, कचरा रहता है या मार्केट के अंदर गंदगी रहती है, बिजली भी टाइम से नहीं रहती, साफ सफाई है नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया यहाँ, कोई काम नहीं किया, गंदगी के अलावा कुछ नहीं है यहाँ, गुंडागर्दी गंदगी है यहाँ, आम आदमी पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। हाजी रईस साहब है, उनसे बात, हाजी रईस साहब जीतेंगे। और भी है यहाँ पर तमाम जो लगातार कैंपेनिंग जो है वो करते हुए लोग बाग नजर आ रहे हैं, और से बातचीत करेंगे, यहाँ रहते हैं, काम करते हैं। आप यही रहते हैं? यही रहते हैं आप लोग? क्या मुद्दे हैं इस बार निगम चुनाव में? नहीं है, मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर वोट देंगे? मुद्दा क्या, कोई सरकार आई कोई मुद्दा क्या करेगी, सब कुछ वही सरकार अपनी सरकार है और क्या करेगी। सर निगम चुनाव है, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे इस बार निगम चुनावों में? भाई निगम के अंदर तो ना बदलाव करनी है, क्या बदलने का मूड है? जो 15 साल से उन्हें बदलने का मूड है, जो 15 साल से मौजूद है ना उस पार्टी को बदलने का मूड है। 15 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, अब की बार पब्लिक चाह रही है कि कुछ बदल गया है, जो इलाके में काम करे चाहे वो पार्टी का हो या आजाद उम्मीदवार हो। आम आदमी पार्टी ने काम किया, आम आदमी पार्टी ने काम किया इलाके में नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ नाम करा, काम नहीं करा, सिर्फ वादे कर रहे हैं, निभाया कुछ नहीं, काम नहीं, कोई नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप दिए फ्री के नाम पे, काम कोई नहीं, पब्लिक को पागल बनाया है, इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार ने कहा कि हमने बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, स्कूलों फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, क्या ये मुद्दे नहीं है? जो बिल आ रहे हैं ना वो कांग्रेस के टाइम में इतने भी नहीं आते थे। आने वाली 4 दिसंबर
ये किसी का कम किसी का ज्यादा, मेरा कम इनका ज्यादा, ये कोई मसला नहीं है। सिर्फ बातें इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ की पब्लिक जो है बदलाव चाहती है, बीजेपी को देख लिया 15 साल, अब कुछ हटके चाहती है, काम करने वालों को लाना चाहती है। भाई काउंसिलर जो बनता है वो साफ सफाई है इसका, ये तो है नहीं कि बिजली पानी है या सड़कें हैं, बड़ी सड़कें हैं, ये तो छोटी मोटी गलियों की नाली वाली है, कोई इसमें तो क्या मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, जो साफ सफाई अच्छी रखेगा उसको वोट देंगे। बीजेपी 15 साल यहाँ पर सरकार में राज करी, मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के, दोनों में से किसने अच्छा काम किया आपके लिए? भाई आम आदमी पार्टी के विधायक की बात थोड़ी ना हो रही है, काउंसिलर की बात हो रही है। हम यहाँ MLA का इलेक्शन नहीं कर रहे, ना MP कर रहे हैं, हम कर रहे हैं काउंसिलर का। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद, अगर वो जीत के आते हैं क्या उम्मीद लगता है कि वो काम करेंगे या उनको नहीं लगता? भाई अगर काम कराओगे तो पब्लिक वोट देगी, अगर नहीं कराओगे तो क्यों देगी? भाई 15 साल से तो बीजेपी थे ना, 15 साल से बीजेपी है ना, काम करा उन्होंने, अगर करा हो तो पब्लिक उनको वोट देगी। अगर पब्लिक को दिखता है कि भाई बीजेपी ने 15 साल में काम किया है तो पब्लिक उसको जरूर वोट देगी। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने 8 साल में अच्छा काम किया तो उसको देगी। अगर पब्लिक को लगता है ना इसने करा ना उसने करा, फिर कौन है पीछे वाला, वही कांग्रेस, तो कांग्रेस को वोट देगी। कांग्रेस मैदान में है, दिख रहा है, चारों तरफ दिख रही है, पब्लिक लाएगी। मैदान में तो कोई भी नहीं है भाई, मैदान में तो कोई नहीं है, लेकिन मैदान में कौन लाता है? आम आदमी पार्टी कहीं थी आज से 8 साल पहले, आम आदमी पार्टी थी, कौन लाया इसको? पब्लिक ही तो लाई है, पब्लिक लाएगी ना, करेगी बदलाव। कांग्रेस को किसने हटाया? बदलाव करेगी।